खेल के दौरान कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे दूसरे पार्टी को ये लगे कि भाई ये उत्साहने वाली कार्रवाई है। जो भी लोग पटाखा फोड़ रहे हैं दूसरों को ये अच्छा नहीं लगता है। इस बात का एहतियात करे भाई कि खेलते वक्त ऐसा कोई काम ना करे कि दूसरी टीम को खराब लगे। कोई भी ऐसा काम नहीं करे, वो हमारे मेहमान है, हमारे भाई है। खेल खेल भावना से होना चाहिए। नौशाद नाम है, मोहम्मद नौशाद गद्दी। ठीक है, बोलिए नौशाद जी, आपने कैसा खेल खेला और आज ने क्या अचीवमेंट हुआ? ये हमारी गद्दी ओपन चैलेंज हो रही है, ये बहुत साल के बाद हुई आयोजना हुई है गद्दी ओपन चैलेंज की, और जिसमें हमारी पहली मैच जो है वो रुवांडा के अगेंस्ट में हुई थी, जिसमें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर थे हमारी टीम में भी, और अगेंस्ट टीम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर थे, वो लोग के अगेंस्ट खेलना बहुत मुश्किल हो रहा था हमें। फिर भी हमारे सेकंड हाफ में एक दो गोल के बढ़त लेकर हम लोग जीत हासिल किए हैं, जिस बहुत सामने वाली टीम जो इस टूर्नामेंट की बहुत ही मजबूत टीम है और उसे हराना बहुत हमारे लिए कठिन हो रहा था, फिर भी हमने कोशिश करके उसे हरा दिया और जीत है, ये जीत हासिल करके हमें बहुत खुशी हो रही है। नौशाद, आपने गोल मारा, बड़ा शानदार था। हाँ जी, वो कैसे, किसने आपको पास दिया? और हमारे बहुत एक करीबी साथी है जिसके साथ मैं बचपन से खेल रहा हूँ, जिसका नाम साहिल गद्दी है, उसने हमें बॉल पास किया और हम डी बॉक्स के अंदर में थे, जब बॉल आया तो हमने बैक हील मार के गोल को नेट के तब्दील किया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कैफ गद्दी है। हम लोग रामदास भट्टा गद्दी समाज के प्लेयर हैं। इस टूर्नामेंट में सारे इंडिया के सारे स्टेट से लोग आते हैं जो कि गद्दी बिरादरी के हैं। ये हम ये बहुत इम्पोर्टेंट है,
हमने इस गेम को बहुत ही अच्छी तरीके से दो गोल की बढ़त लेकर जीत हासिल की है, जो कि हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। हमने अपने लिए जीत हासिल नहीं की बल्कि हमने हमारे समाज के लिए जीत हासिल की है, जो कि हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और गर्व की बात है। बहुत शानदार गोल मारा, कैसा महसूस किया? हमने इस गेम में दूसरा गोल लीड किया, जो कि हमारे करीबी साथी शहबाज ने पास की थी, जो कि बेहद बेहद शानदार था और उसे हमें बहुत खुशी हो रही है। आपके दो दोस्तों ने बहुत अच्छा खेला और आपने भी बड़ा सुंदर, मैं देख रहा था, अच्छा डिफेंड कर रहे थे आप। क्या नाम है और इतना डिफेंड अच्छा कैसे, और क्या कहेंगे आप, कौन सपोर्ट किया? मेरा नाम अमान गद्दी है और रामदास भट्टा में रहता हूँ, उसी टीम से मैं खेलता हूँ। ये जो टूर्नामेंट हो रही है ये 5 साल के बाद हो रही है और ये हम लोग जैसे गद्दी लड़कों के लिए सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है और इस टूर्नामेंट में अच्छा खेल के और गेम जीत के हमें बहुत खुशी हो रही है और मेरे दो साथियों ने बहुत ही शानदार गोल मारा जिसकी वजह से अभी भी हम टूर्नामेंट में बने हुए हैं और कोशिश करेंगे हम लोग कि टूर्नामेंट जीत के यहाँ से जाएं। बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। मैं फरीद गद्दी, ऑल इंडिया गद्दी समाज झारखंड का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। ये जो आज वन डे फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है, इसमें झारखंड और उड़ीसा की गद्दी समाज की टीम आई हुई है। ये टूर्नामेंट लगभग 1990 से हम लोग कर रहे हैं और ये प्रत्येक वर्ष दूसरे दूसरे शहरों में किया जाता है। इसमें आज जो मौजूद है रांची की टीम है, आज का ये मैच गद्दी क्लब की तरफ से हो रहा है, रांची की टीम है, धनबाद है, संबलपुर उड़ीसा है, यहाँ के लोकल जुगसलाई, मिल्लत नगर और रामदास भट्टा की टीम है। इसमें हमारा मेन मकसद है ये फुटबॉल कराने का कि हमारे नौजवान जो है नशा मुक्त रहे, खेल के प्रति जो है अब उसका रुझान रहेगा तो फालतू चीज़ों में वो अपना वक्त नहीं देंगे। इसलिए हम लोग पूरा भरपूर कोशिश करते हैं कि हमारी जो युवा पीढ़ी है इसमें जो है खुल के खेले और एक मिलन समारोह के तौर पे इसको देखा जाता है। तमाम लोग आते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, अपना भाईचारा जाहिर करते हैं। यही है आज हमारे। क्या सब झारखंड के पूरे प्लेयर को या पूरे कहना चाहेंगे आप? ये मैं अपने युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने झारखंड सहित पूरे भारत के युवाओं को यही कहना चाहूँगा कि आप खेल के प्रति अगर ईमानदार रहें, खेल में अगर आपका रुझान रहेगा तो आप नशा से हमेशा छुटकारा पाए रहिएगा, क्योंकि नशा करने वाला खेल नहीं सकता है। इसलिए मेरी तमाम नौजवानों से गुजारिश है कि वो नशा की तरफ ध्यान ना दे, शिक्षा की तरफ ध्यान दे, खेल की तरफ ध्यान दे और अपने भारत को उज्जवल करें।